भजन संहिता 1 में लिखा है, धन्य है वे लोग जो बुराई के रास्ते पर नहीं चलते। काफी लोग सोचते होंगे कि बुराई और अच्छाई के रास्ते में फर्क कैसे करें, किस रास्ते पर चलें और किसकी तरह चलें। इसका सीधा जवाब है कि हमें सीधे रास्ते पर यीशु मसीह की तरह चलना है। बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर की तरह बनना है, और वचन हमें ये भी बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की छवि है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम यीशु मसीह की तरह कैसे बन सकते हैं। इसका जवाब बाइबल खुद है। बाइबल हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना सिखाती है, ताकि हम दिन भर दिन उसके रास्ते पर चलें और उसकी तरह बनते जाएं। हमें सुबह शाम वचन पर ध्यान लगाना है। हमें वचन किसी को प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए पढ़ना है। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वो वचन यीशु मसीह है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर सकता है जब हम उसे हमारी जिंदगी में काम करने देते हैं, और वो हमारी जिंदगी अपने वचन से बदलता है। जब हम उसके वचन को अपने दिल में ग्रहण करके उसके वचन को हमारे दिल में काम करने देते हैं, तब हमारी जिंदगी बदलती है। परमेश्वर का वचन सिर्फ एक किताब ही नहीं, लेकिन एक दोधारी तलवार की तरह है, जो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे और जानें और उसकी तरह बनते जाएं और हमेशा उसके साथ बने रहें। जब हम दिन रात उसके वचन पर ध्यान करेंगे, तो हम उस पेड़ के समान कहलाए जाएंगे जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। चाहे कोई भी मौसम आए, अगर हम उसके वचन में और उसका वचन हम में बना रहेगा, तो हम हमेशा फलवंत रहेंगे। हम सही मायने में जिंदगी की खुशियों को महसूस कर पाएंगे। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मसीही होना मसीह की तरफ बनते जाना है। जो वचन आपकी जिंदगी में बोया गया है, उसे अपना काम करने दीजिए। यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें जुड़कर ही हम फलवंत हो सकते हैं, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। उस वचन को जो आप तक पहुंचा है, अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। रोज परमेश्वर के वचन को पढ़िए और सुनिए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए और अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए, ताकि हम जहां भी हों या जाएं, हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपनी जिंदगी के द्वारा दर्शा पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और मांगते हैं कि हम आपके बेटे यीशु मसीह की तरह सीधे रास्ते पर चल पाएं और अपनी जिंदगियों में आपके वचन को पूरी तरह उतार पाएं। हम दुआ करते हैं कि हम उस पेड़ के समान बने जो हमेशा 100 गुना फल लाए, ताकि अपनी जिंदगियों से आपको महिमा देने वाले हो पाएं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको इस वचन से परमेश्वर की आशीष मिली हो। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दें।